उरज ग्लोबल फाउंडेशन के संस्थापक आदित्य मिश्रा ने बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा सामग्री का वितरण किया। आदित्य एक ऐसे नवयुवक हैं जो हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और अपने आसपास हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। इसी कड़ी में इस नवयुवक का मानना है कि मोटेक्सो आयल कंपनी से जो इनकम होती है उसका 1/5 गरीबों के नाम है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर्म में उन्होंने उरज ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक एनजीओ के तर्ज पर सदा गरीब असहाय की विकास कार्यों के लिए आगे सेवा भाव से हर एक मदद करने को तत्पर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज। अच्छा आदित्य जी, अभी अभी आप बताए कि बिहार सरकार में जो शिक्षा की नीति चल रही है उसके अनुसार आप गरीब बच्चों और दबे कुचले बस्तियों में जाकर आप अपने फाउंडेशन के थ्रू उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ये सुधार का एक प्रयास कहा जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सरकार के विपक्ष में नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो अपना पॉलिसी है वो अपना कर रही है जी, लेकिन हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मेरा प्रयास जो है गरीब तबके बच्चों को शिक्षित करना, जागरूक करना, उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करना।